Good morning, dear students. How are you all? I am here fine and I hope you all are doing well. Today we are going to do the question number 10, which is a very important question, class. This question is of time and work. Before starting the question, I want to ask you few questions, but class, please. एक एक क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा पॉज दूंगी, आप उसको प्लीज जरूर सोचिएगा कि क्या आंसर होगा और फिर मैं जैसे आपको बता रही हूँ आप साथ साथ मेरे सोचते हुए चलिएगा, देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. टाइम एंड वर्क जो है आपके लिए टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से सुनिए. मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि इफ यू नीड टू कंप्लीट अ वर्क टू डेज, इफ यू आर कंप्लीटिंग अ वर्क इन टू डेज, यस, देन हाउ मच वर्क विल बी कंप्लीटेड इन वन डे. आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर दो दिन लगाते हैं तो आपका वन डे में कितना वर्क होगा. यस क्लास, इफ यू आर टेकिंग टू डेज टू कंप्लीट एनी वर्क, कोई भी आपका कोई भी काम हो सकता है, बुक रीडिंग का, होमवर्क कंप्लीट करने का, कोई भी काम है जिसको आपको कितने दिन लग रहे हैं पूरा, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई असाइनमेंट है जिसको आपको टू डेज लग रहे हैं कंप्लीट करने के लिए, तो वन डे का जो आपका वर्क होगा, आपका जो वन वर्क है वो कितने में कंप्लीट हो रहा है, टू डेज में. तो वन डे का जो वर्क है वो आपको बताना है कि वन डे में आप कितना वर्क कर रहे हो. क्लास, आप उसका हाफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में, इसीलिए तो आपके टू डेज में फुल वर्क कंप्लीट हो रहा है, यस और नो. सेम वे अगर आपका कोई वर्क है उसको आपको कंप्लीट करने में फोर डेज लग रहे हैं. अब आपका जो वर्क है क्लास वो कोई भी हो सकता है, सपोज आपको 20 पेजेस की राइटिंग करनी है और वो आपका एक काम है सपोज, और वो आपको 20 पेजेस राइट करने में आपको फोर डेज लग रहे हैं, तो वन या इट मीन्स आप वन डे में कितना लिख रहे हो, फाइव पेजेस. तो फाइव पेजेस पूरे वर्क का, अगर पूरा वर्क हम 20 पेजेस का वन वर्क मान रहे हैं तो फाइव पेजेस आपका कितना वर्क हुआ, वन फोर्थ वर्क. तो इट मीन्स क्लास वन डे में आप कितना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास वन फोर्थ वर्क, यस और नो. इस चीज को अच्छे से समझिए. तो जितने भी दिन आपको एक काम को पूरा करने में आपको जितने भी दिन लग रहे हैं, तो वन डे का जो वर्क है क्लास वो उसका आप उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे तो उतना वर्क आपका वन डे का वर्क हो जाएगा. इस चीज को क्लास पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको ये जो क्वेश्चन है वो आगे का समझ में आएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टेलिंग यू द मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन. लिसन, द क्वेश्चन इज रवि टेक्स सिक्स डेज टू कंप्लीट अ जॉब. कोई भी एक काम है तो रवि को उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, सिक्स डेज का वर्क. श्याम टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट द सेम जॉब. देखिए क्लास, किसी की स्पीड वर्क करने की थोड़ी फास्ट होती है, किसी की स्लो. जैसे बुक रीडिंग भी कोई बहुत जल्दी से कर लेता है, कोई स्लोली स्लोली. अगर आप राइटिंग का वर्क है सपोज, कोई जो है वन पेज वर्क बहुत जल्दी से लिख लेता है, किसी को टाइम लग रहा है. तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको कोई भी वर्क दिया जा रहा है, कोई भी टास्क दिया जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग उस वर्क को कंप्लीट करते हैं. तो कोई भी वर्क है, वर्क क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. उस काम को करने के लिए, उस जॉब को कंप्लीट करने में रवि को कितना टाइम लग रहा है, सिक्स डेज का वर्क. वही श्याम को कितना टाइम लग रहा है, ट्वेल्व डेज का वर्क. इफ राम एंड श्याम वर्क टुगेदर, अब कोई पर्टिकुलर एक काम दोनों को दे दिया गया साथ में, तो हाउ मच डेज दे विल टेक टू कंप्लीट आवर जॉब. अब उनको टोटल कितना टाइम लगेगा जब वो दोनों लोग मिलकर उस वर्क को कंप्लीट करेंगे. देखिए क्लास, अब इस क्वेश्चन में क्योंकि रवि अकेले को सिक्स डेज लग रहा था और साथ में उसको श्याम भी हेल्प कर रहा है, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो वर्क है वो सिक्स डेज से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रवि जब अकेला ही कर रहा था तो उसको सिक्स डेज लग रहे थे. तो इट मीन्स श्योरली जो आपका आंसर आएगा वो सिक्स डेज से लेस होगा. और हम किस तरीके से अपना क्वेश्चन करेंगे बहुत ध्यान से समझिए. देखिए, रवि कंप्लीट द वर्क इन सिक्स डेज. रवि को पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने दिन चाहिए, सिक्स डेज. देयरफॉर वन डे वर्क ऑफ रवि का एक दिन का काम वो कितना हो जाएगा, वन सिक्स वर्क. जो भी वर्क है उसका वन सिक्स वर्क. श्याम कंप्लीट द वर्क इन ट्वेल्व डेज. श्याम को कितना टाइम लग रहा है उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ट्वेल्व डेज. तो वन डे वर्क ऑफ श्याम, अब श्याम का एक दिन का काम कितना होगा, वन बाई ट्वेल्व वर्क.
therefore one day work of Ravi and Shyam. देखिए क्लास, यहाँ पर आप फिर से समझिए. सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और 20 पेजेस उस प्रोजेक्ट में आपको राइट करने का आपका एक प्रोजेक्ट है, तो 2 पेजेस एक दिन में आप लिख जो है एक बच्चा लिख रहा है सपोज, और 3 पेजेस जो है दूसरा बच्चा उसको लिख रहा है वन डे में, तो टोटल वर्क वन डे का कितना हो जाएगा अगर दोनों मिलके आप कर रहे हो तो 2 और 3 मिला के 5 जो है 5 पेजेस का वर्क हो जाएगा. तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में भी अगर हम इसको वर्क को लिख रहे हैं तो वो हम उसको फ्रैक्शन को हम प्लस करेंगे, यस और नो. तो वन डे का वर्क रवि का और वन डे का वर्क श्याम का, दोनों को हम प्लस करेंगे तो उतना हमारा वन डे का वर्क आ जाएगा उन दोनों का, वन डे वर्क ऑफ रवि एंड श्याम. क्लास मेरे एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से सोचते हुए चलिए, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन जो है समझने में थोड़ी मुश्किल होगी. आप उस तरीके से समझिए, कोई एक वर्क है, एक दिन में जितना काम रवि ने किया और जितना श्याम ने किया दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर दिया. टोटल काम तो उन दोनों का मिला के होगा, तो इसको जब हमने फ्रैक्शंस में इसको सॉल्व किया तो 1/4 वर्क आ गया कि हमारा जो वर्क है वो 1/4 वर्क, जो भी वर्क था उसका 1/4 वन डे में कंप्लीट हो गया. अब देखिए क्लास, यहाँ पर फिर आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपसे रिपीटली बोलूं कि किसी भी वर्क एक दिन में आप किसी भी काम का आधा काम कर लेते हैं. अगर आपको 10 पेजेस, आपको कोई वॉल बनानी है, आपको कोई मॉडल बनाना है, आपने उसका आधा काम एक दिन में कर लिया तो आप बोलोगे ना मैं आधा बाकी का कल कर लूंगा, तो एक दिन आपको और लगेगा, यानी कि टोटल आपको कितना टाइम लगेगा क्लास, 2 डेज. तो अगर आपको वर्क दे रखा है, हाफ वर्क आपने वन डे में किया तो टोटल डेज आपको कितने लगेंगे, 2 डेज लगेंगे. तो सेम में यहाँ पर आपका वन डे का वर्क निकल कर आ गया दोनों का, तो नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, अब उन दोनों को कितने दिन चाहिए उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. टोटल वर्क है आपका वर्क 1/4 वर्क, टोटल वर्क को हमें जितना एक दिन में वो काम कर रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल कर आ जाएगा. तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 डेज इसका रेसिप्रोकल. तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 डेज. मीन्स अगर रवि अकेले करेगा तो उसको 6 डेज लगेंगे, श्याम अकेले करेगा तो 12 डेज, लेकिन जब दोनों लोग मिलके करेंगे तो वही वर्क उनका 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. आई होप क्लास यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. इफ देयर इज एनी, यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस, प्लीज आस्क मी, आई विल अगेन टेल यू हाउ टू डू इट क्लास. द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज क्लास. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज. अ क्वांटिटी प्रेजेंट इन एवरी 100 इज कॉल्ड परसेंटेज. क्लास ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप लोग क्लास 5 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं परसेंटेज क्या है. फिर भी मैं एक क्विक रिविजन करा रही हूँ. कुछ भी चीज जब हम आउट ऑफ 100 उसको कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसकी परसेंटेज. जैसे बहुत ही सिंपल है, आपके सपोज मार्क्स हैं 20 में से 16 मार्क्स हैं, तो अगर आपको परसेंटेज में बात करनी है कि कितने परसेंट मार्क्स हैं तो आप इसको आउट ऑफ 100 निकाल सकते हैं. और आउट ऑफ 100 आपको कंपेयर करने के 2 मेथड्स हैं, आइदर बाई कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 80%. और सेकेंड मेथड जो आप लोगों ने सीखा था वो है आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई 100. तो इस तरीके से आप जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में, और एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ 100 दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज, राइट. सेकेंडली परसेंटेज का देखिए क्लास यूज क्या है कन्वर्ट करना, और ये है देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपने हमेशा 16 में से 20 मार्क्स और 30 में से जो है आपके सपोज क्लास 24 तो सेम आ जाएगा 27, और यहां पे मैंने कर दिया 70. नाउ क्लास, नाउ दीज आर द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट एंड दीज आर द मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट. तो अब यहाँ पे भी आपका 3 मार्क्स लेस है और यहाँ पर भी 3 मार्क्स लेस है, तो क्या आप इसको ऐसे कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसकी परसेंट, जो कौन, जो इनमें से बच्चा है वो कौन होशियार है, किसके मार्क्स अच्छे हैं इन दोनों में से. अगर आप ऐसा देखेंगे आपको लगेगा दोनों एक से हैं क्योंकि दोनों के 3 मार्क्स कम है टोटल में से. बट व्हेन यू फाइंड आउट द परसेंटेज, सी क्लास, व्हेन यू फाइंड आउट द परसेंटेज व्हाट हैपेंस,
दिस इज 90% एंड दिस इज व्हाट ओनली 85%. सो क्लियरली दिस इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, राइट क्लास. तो ये जो है आपको इस तरीके से आपको परसेंटेज से आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी टू स्टूडेंट्स को या आप अपने मार्क्स की या कुछ भी. तो ये आपका बहुत एडवांटेज है परसेंटेज का जिसको हम वाइडली यूज करते हैं. इसी पर आपने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं अर्ली क्लासेस में. अभी इस क्लास में जो है हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो थोड़े टफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. देखिए क्लास, एक चीज आप और ध्यान रखिए, थ्री रेशियो फोर, ये मैंने किसमें लिखा, रेशियो में. इसी को जब आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 3/4, ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट. इसी को जब आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में 3 को 4 से डिवाइड करके, तब आप लिखते हैं 0.75, वो आपका हो गया डेसिमल. और इसी को जब आप परसेंटेज में लिखेंगे तो 75%. आपको नंबर किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, रेशियो में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में या परसेंटेज में, ये चीज क्लास हमेशा ध्यान रखिए, आप इन सभी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. चाहे आपको रेशियो दे रखा है तो आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं, रेशियो से आप डेसिमल में कर सकते हैं, रेशियो से आप परसेंटेज में कर सकते हैं. सेम वे आपको परसेंटेज में आप क्वेश्चन दे रखा है, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फ्रैक्शन में. ये सभी आपस में कोरिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे में जो है ये इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जिस भी फॉर्म में आपका क्वेश्चन पूछा गया है या जिसमें भी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है, आप उसी फॉर्म में रख के अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं. मोस्टली ये सभी आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें भी आपकी नीड है. तो बहुत ज्यादा इसको डिटेल में आपको ना बताते हुए क्लास मैं जो हूं अब क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ. क्वेश्चन फर्स्ट, दैट वाज ऑफ एक्सरसाइज 7.3. तो देखिए आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट वाज दिस इज A number is increased by 40% and then decreased by 40%. Find the net increase or decrease percentage. देखिए क्लास, ऑलमोस्ट आपका जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एक्स मेथड से सॉल्व हो जाते हैं सभी क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन भी हम एक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स और उसके अकॉर्डिंग. लेकिन परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपका एक दूसरा इजी मेथड होता है, आप उस नंबर को 100 अज्यूम कर लें. जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज की फॉर्म में ही क्वेश्चन दे रखा है, बाकी कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, तो ऑलमोस्ट वहां आप कोशिश कीजिए कि आप 100 को लेके कीजिए, आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी. एक्स मेथड से थोड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो इसको हम 100 लेके करेंगे. तो आई विल राइट लेट द नंबर बी 100. नाउ फर्स्ट अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 40%, तो इंक्रीज्ड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज्ड नंबर इक्वल्स टू 100 प्रीवियस नंबर है और इसमें 40% इंक्रीज करेंगे, तो 40% ऑफ 100. देखिए 40% ऑफ 100 में आपको एक सॉल्व करके बता रही हूं, बाकी आप सब जगह इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कहीं पर भी जब आप उसको लिखेंगे. इन 200 तो 100 से 100 कैंसिल, आपका 40 ही आंसर आ जाएगा. वो तो 100 प्लस 40 इक्वल्स टू 140. तो नंबर आपका पहले 100 से 140 हो गया इंक्रीज होके एंड देन डिक्रीज्ड बाय 40%. फिर उसी नंबर को हमने डिक्रीज कर दिया 40%. नाउ डिक्रीज्ड नंबर अब डिक्रीज नंबर 140 से डिक्रीज होगा, तो 140 माइनस 40% ऑफ 140. यहां क्लास आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 100 के केस में वही आंसर आता है. तो यहां हम सॉल्व करेंगे 140 माइनस 40/100 इंटू 140 माइनस 40/100 इंटू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 140 माइनस दिस इज 14 फोर्स इज
56. सो दिस विल कम हाउ मच 84. तो देखिए जो स्टार्टिंग नंबर है वो आपका 100 है और अब आपको जो नेट नंबर मिल रहा है वो 84 है. तो यानी कि डिक्रीज नंबर मिल रहा है. तो नेट डिक्रीज इन नंबर कितना डिक्रीज हो गया नंबर में 100 से 84 यानी कि 16 का डिक्रीज हो गया क्लास. राइट. अब 16 जो है डिक्रीज है तो 100 का कितना परसेंट होगा 16%. तो 100 के केस में जितना भी आपका डिक्रीज आता है उतना ही आपका परसेंटेज में भी हो जाता है क्योंकि आउट ऑफ 100 हमने इसको कंपेयर किया हुआ है. देयरफॉर डिक्रीज परसेंटेज आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 16%, क्योंकि 16/100 × 100 करेंगे तो 16% आंसर. तो इस तरीके से जब आप अगर 40% नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं और 40% ही आपने उसको डिक्रीज किया हुआ है तो आपको सेम आंसर नहीं मिलेगा. आप ये नहीं बोलेंगे कि 0% हुआ. नो, 40 इंक्रीज किया नंबर, 40 डिक्रीज किया तो 100 का 40 इंक्रीज किया 140 हो गया, 40 डिक्रीज किया तो 100 आ जाएगा. लेकिन यह परसेंटेज है तो परसेंटेज 100 की परसेंटेज 40 जो है सिर्फ 40 होगी लेकिन 140 का जो 40% होगा वो ज्यादा है. तो यहां पर आपका देखिए सेम नहीं आएगा, आपको 100 नहीं मिलेगा. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका 16% डिक्रीज हो जाएगा क्लास. 40% इंक्रीज करके वापस 40% डिक्रीज करना, आप उसी पॉइंट पर नहीं पहुंच रहे हैं, आपको वही नंबर नहीं मिल रहा है. तो ये चीज आप बहुत अच्छे से देखेंगे. ठीक है क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड क्लास. हमने इस तरीके के क्वेश्चंस क्लास 7th में भी किए थे तो आपको मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. प्लीज प्रैक्टिस करिएगा इसकी और बाकी के क्वेश्चंस जो है हम इसके कल करेंगे. थैंक यू क्लास.